तो नमस्कार साथियों, फिर से हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लाए हैं हिंदी का बीए और बीएससी के जो आपका टॉपिक है हिंदी का, उसके सारे क्वेश्चन जो एक चैप्टर के वो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस चैप्टर में क्या है कि सुगान त्रिपाठी ने डाला है, जो भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो आज इसमें कवर करने वाले हैं। देख लेते आज का पहला प्रश्न है कि सुगान त्रिपाठी ने डाला का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है सुगान त्रिपाठी ने डाला का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना 1898 यानी 1898 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर दूसरा याद रहे, निराला जी की पहली रचना का नाम क्या है। तो निराला जी की पहली रचना क्या है, जूही की कली। जूही की कली ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निराला किस युग के कवि थे। तो आपको बताएं निराला किस युग के कवि थे, तो याद रखना छायावाद या इसे हम कह सकते हैं शुक्ल युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ कह रहा है कि निराला जी की काव्य भाषा है, निराला जी कौन सी काव्य भाषा है। तो इन्होंने काव्य भाषा कौन सी भाषा में लिखी है, तो खड़ी बोली भाषा में, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ लिखा है कि निराला की कौन सी रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो याद रखना जो निराला जी ने तुलसी के बारे में जो भी लिखा है, तो एक रचना में लिखा है, उसका नाम भी तुलसीदास है, और तुलसीदास के बारे में भी इसी रचना में इन्होंने बताया। तो इसकी रचना क्या है, तुलसीदास। तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी बार ये कंपटीशन भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखा है कि अपनी किस रचना में कवि अपने समस्त कमफल मातृभूमि को समर्पित करते हुए दिखाई देते हैं। तो याद रखना कौन सी गीत का में। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निराला का पहला काव्य संकलन है। तो निराला का पहला काव्य संकलन कौन सा है, तो याद रखना अनाम का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्या हो जाता है, अनाम का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर आठवां दे रहा है कि निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो निराला की साहित्य साधना है, ये एक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो यदि आप ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक मैं इस प्रकार से क्लियर कराता हूँ, जिसमें इस प्रकार से मैंने देखा कि सूर आपने देखा होगा कि सूर का अंतर्पाठन डाला है रिलेटेड जो क्वेश्चन 8 बने थे, इनसे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छाट कर लाए हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी प्रकार से सारे टॉपिक के लगभग 8 से 10 मैं क्वेश्चन लाता हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है 2022 में, उनके मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कर लाया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।